हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीट साइंस के बारे में। ठीक है, बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर में तीन सबसे बड़ी समस्या है, इंसेक्ट की, डिसीज़ की और वीट की, खरपतवार की। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये जो वीट टर्म है ये दिया किसने है, ये आया कहाँ से। ठीक है, ये जो वीट टर्म है ये दिया है जेट्रो टूल। जेट्रो टूल एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एक बुक लिखी थी हॉर्स हुइंग हस्बेंड्री। इस बुक के अंदर इन्होंने वीट के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था और इसीलिए इनको फादर ऑफ वीट साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे पूछते हैं फादर ऑफ वीट साइंस कौन है तो वो है जेट्रो टूल। ठीक है, इसी बुक के अंदर हॉर्स हुइंग हस्बेंड्री बुक के अंदर इन्होंने टीलेज के बारे में भी बताया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ टीलेज भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद हम बात करेंगे आगे फीचर्स के बारे में। ठीक है, इनकी गजब गजब के फीचर्स इसमें पाए जाते हैं वीट में, खरपतवार में। ऐसे फीचर्स अगर हमारे मेन फसल में होते हैं तो आज हमारा जो किसान होता वो माला माल होता। ठीक है, जो जेट्रो टूल थे उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी वीट की, वीट आर द प्लांट विच ग्रो वेयर देयर आर नॉट वांटेड। यानी खरपतवार एक ऐसे पौधे हैं जो कि ग्रो हो जाते ऐसी जगह पर जहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं होती है। इसको और आगे हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी समस्या है हमारी खरपतवार की, वीट की। ठीक है, तो इसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाए गए होंगे। तो पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बनाया गया था वीट के ऊपर 1989 में, जो जबलपुर में बनाया गया था, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट साइंस। ठीक है, ये कहाँ पर बनाया गया था, जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया गया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, इसको बाद में प्रमोट करके इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया था 2009 में, तो इसको बना दिया गया था डायरेक्टरेट ऑफ वीट साइंस रिसर्च, शॉर्ट में इसको बोलते हैं DWSR। फिर 2014 में वापस फिर इसका नाम चेंज कर दिया था, बेसिकली इसमें से जो साइंस वर्ड है उसको हटा दिया गया था, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च कर दिया गया था। एक सोसाइटी है इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस। ये पहले कहाँ थी, ये पहले थी आपकी हिसार में। ठीक है, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था, हिसार हरियाणा में पहले थी, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था जबलपुर मध्य प्रदेश में, क्योंकि जितने भी आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो वीट के ऊपर काम कर रहे हैं वो सारे जबलपुर में थे, इसलिए ये अकेला हिसार हरियाणा में था, तो उसको बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था जबलपुर मध्य प्रदेश में। यहाँ से एक पब्लिकेशन भी रिलीज़ होता है, उस पब्लिकेशन का नाम है इंडियन जनरल ऑफ वीट साइंस। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन तो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, वीट आर द प्लांट विच ग्रो वेयर दे आर नॉट वांटेड। यानी जो खरपतवार है वो ऐसे पौधे हैं जो ग्रो हो जाते हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं होती है। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ टाइम एंड प्लेस। यानी ऐसे अनवांटेड प्लांट जो कि ग्रो हो जाते हैं कहीं पर भी, किसी समय पर ग्रो हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेलेरिस माइनर जो कि गेहूं में देखा जाता है। ठीक है, ये एक वीड है, खरपतवार है, जिसको हिंदी में गेहूं का मामा बोलते हैं। एकदम मिमिक्री वीड होता है, इनिशियल स्टेज में तो आप पहचान भी नहीं सकते कौन सा फेलेरिस माइनर और कौन सा वीट है जो आपकी मेन क्रॉप है। ठीक है, बाद में जब इसके स्पाइक आते हैं, इन्फ्लोरेंस वाला जो फ्लावरिंग पोर्शन आता है, उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है, इनके स्पाइक अलग अलग होते हैं, ताकि इनिशियल स्टेज में दोनों सेम टू सेम होते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए हम आइसोप्रोटीरोन का भी यूज़ करते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो अनवांटेड प्लांट का मतलब क्या है, अनवांटेड प्लांट का मतलब है वो वीट भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। जैसे मस्टर्ड प्लांट, अगर गेहूं का फील्ड है, पूरा गेहूं का खेत है, उसमें अगर मस्टर्ड का प्लांट वहाँ पर आ जाता है तो क्या मतलब है वहाँ पर मस्टर्ड प्लांट का। ठीक है, तो मस्टर्ड प्लांट वहाँ पर क्या है, अनवांटेड प्लांट है। अगर गेहूं के फील्ड में मस्टर्ड प्लांट उग जाता है, ठीक है, तो ये जो मस्टर्ड प्लांट है वो क्या है, एक अनवांटेड प्लांट है, वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और भी डेफिनेशन देख लेते हैं। सीड प्रोडक्शन, जब हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो हमें जेनेटिकल प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी का बहुत ध्यान रखना होता है। मान लो एक ए फील्ड है, ठीक है, मान लो राइस का फील्ड है, राइस के फील्ड में अगर हम वाई वेराइटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें अगर कोई एक्स वेराइटी आ जाती है, तो जो एक्स वेराइटी है वो क्या, एक अनवांटेड है, अनवांटेड प्लांट है, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी आपका एक वीट कहलाएगा। ठीक है, अभी जो अनवांटेड प्लांट होते हैं क्या करते हैं, ये कॉम्पीट करते हैं हमारी मेन क्रॉप के साथ, किसके लिए, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए, सभी के लिए क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं। हाईली कॉम्पिटिशन नेचर के होते हैं, हाईली एग्रेसिव नेचर के हमारे खरपतवार होते हैं, ये क्या करते हैं, जो ईल्ड होती है हमारे जो मेन क्रॉप की उपज होती है उसको भी कम कर देते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ फीचर्स हैं, ये फीचर्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर है टॉलरेट टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी ये एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को सहन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाई टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर में खरपतवार को कोई फर्क नहीं पड़ता, लो टेम्परेचर में खरपतवार को फर्क नहीं पड़ता,
ड्रॉट कंडीशन जो सूखी कंडीशन हो, सूखा सूखा पड़ जाता है, जब भी खरपतवार को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें जो मेन फसल है वो इन तीनों कंडीशन में ख़राब हो जाती है, हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में, ड्रॉट कंडीशन में ख़राब हो जाती है। हाईली कॉम्पिटेटिव नेचर के होते हैं और हाईली एग्रेसिव नेचर के होते हैं, यानी वाइल्ड नेचर के होते हैं, जंगली नेचर के होते हैं, ठीक है। अगर हमारी जो मेन क्रॉप है उसके कंपेरिजन में हम वीट की बात करें तो ये दोगुना तिगनी तेज़ी से जो है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है। इनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। कैसे कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है? जैसे इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, प्लांट मॉर्फोलॉजी होती है, वो सिमिलर होती है। यहाँ पे कंट्रोल की जगह प्लांट मॉर्फोलॉजी आएगा, ठीक है। सिमिलर प्लांट मॉर्फोलॉजी टाइप करने में यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। सिमिलर प्लांट मॉर्फोलॉजी, एग्जाम्पल जैसे फेलेरिस माइनर, जो फेलेरिस माइनर होता है एकदम सिमिलर होता है, सिमिलर प्लांट होता है गेहूँ का, ठीक है। फेलेरिस माइनर इन वीट, फेलेरिस माइनर का जो प्लांट मॉर्फोलॉजी होती है बिल्कुल सिमिलर होती है वीट क्रॉप से, एकदम सिमिलर होती है। इनिशियल स्टेज में हम पहचान भी नहीं सकते। इसके लिए जो हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं वो करते हैं हम आइसोप्रोटीनोन, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंजप्शन इंडिया में किसका होता है? आइसोप्रोटीनोन का ही होता है। लेकिन जो पंजाब और हरियाणा वाला रीजन है वहाँ पर आइसोप्रोटीनोन इतना ज़्यादा यूज़ हो चुका है कि वहाँ पर जो हमारा फेलेरिस माइनर है, जो ये जो खरपतवार है, वो रजिस्टर्ड हो चुका है। वहाँ पर आइसोप्रोटीनोन से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जितना भी डाल दो, तो वहाँ पर हमें डालना पड़ता है सल्फो सल्फिरोन फेलेरिस माइनर को मारने के लिए, ठीक है। हर्बिसाइड क्या है? हर्बिसाइड एक केमिकल है जो कि यूज़ किया जाता है अनवांटेड प्लांट, जो भी वीड होते हैं, खरपतवार होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं, उसको किल करने के लिए। अब एक और फीचर होता है सीड प्रोडक्शन। इसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है बहुत हाई होती है, बहुत तेज़ी से सीड का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे एम्ब्रेंथस विलेडिस, ये खरपतवार है जिसके इसका जो एक पौधा होता है वो 196,000 सीड बनाता है, ठीक है। कितनी तेज़ी से सीड बना रहा है, इसका एक ही पौधा 196,000 सीड बनाता है। ये फीचर अगर हमारी मेन फसल में होता तो आज हमारा जो किसान होता वो मालामाल होता, ठीक है। एक और है आपका चिनोपोडियम एल्बम, इसके बात करें तो 72,000 सीड पर प्लांट बनते हैं। फेलेरिस माइनस की बात करें तो 3,000 से 5,000 सीड पर प्लांट अकेला बना लेता है। बहुत तेज़ी से ये फैलते हैं खरपतवार, इसलिए बहुत खतरनाक होते हैं। ये परसिस्टेंट नेचर के होते हैं, अगर एक बार हमारे फील्ड में उग जाता है तो सालों तक ये रहते हैं। इसकी एक कहावत भी है, 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर बीडिंग, यानी एक बार ये उग गए, एक बार ये सीड इनकी सीडिंग हो गई, अब इनकी कोई सीडिंग करता तो नहीं, अपने आप सीडिंग हो जाती है, ठीक है। एक बार इनकी सीडिंग हो गई तो सात साल तक ये ख़त्म ही नहीं होते, ठीक है। इनमें जो है फीचर ऑफ डोरमेंसी, डोरमेंसी का फीचर भी इसमें पाया जाता है, यानी एक साल ये अगर उग गए और दूसरे साल अगर नहीं उग रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ख़त्म हो गए, इनके अंदर डोरमेंसी का फीचर होता है, ठीक है। दूसरे साल अगर ये फील्ड में नहीं दिख रहे तो ये तीसरे साल वापस आ सकते हैं। डोरमेंसी को हम आगे और डिस्कस करेंगे। इनकी जो सीड मॉर्फोलॉजी होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है हमारे मेन क्रॉप के सीड से। जैसे किकोरियम एंटीबस, ये खरपतवार है, इसका जो सीड होता है वो एकदम सिमिलर होता है बरसीम के सीड से, ठीक है। सीड मॉर्फोलॉजी भी इनकी सिमिलर होती है, तो कैसे कंट्रोल करोगे? जब सीड एक बार मिक्स हो जाएंगे तो इनको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। इनके अंदर वीट डोरमेंसी पाई जाती है, तीन प्रकार की वीट डोरमेंसी पाई जाती है इनके अंदर, वीट के अंदर। पहली होती है इनेट डोरमेंसी, जिसको हम प्राइमरी डोरमेंसी करते हैं, ये जो होती है जेनेटिक आती है, ठीक है, पेरेंट से चाइल्ड वीड में आती है। सेकेंड होती है इंड्यूस्ड डोरमेंसी, जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण आती है, इन्वायरमेंटल जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में इंड्यूस्ड डोरमेंसी आ जाती है। एक होती है इनफोर्स्ड डोरमेंसी, जो कि हमारे कारण आती है, हम क्या करते हैं सीड का डीपर प्लेसमेंट कर देते हैं, डीप प्लेसमेंट कर देते हैं, गहरी सोइंग कर देते हैं, ठीक है, उसके कारण जो इनफोर्स्ड डोरमेंसी आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वीट डेसिमिनेशन। वीट के अंदर एक और फीचर होता है डेसिमिनेशन का। डेसिमिनेशन क्या होता है? डिस्पर्सल, यानी मूवमेंट ऑफ सीड फ्रॉम मदर प्लांट टू अनदर प्लेस, यानी मदर प्लांट जो है वहाँ से वीट के जो सीड है उसका मूवमेंट होना अनदर प्लेस पे। मान लो कोई ए फील्ड है जिसमें खरपतवार है, ठीक है, मेन क्रॉप के साथ इसमें खरपतवार भी है। दूसरा बी फील्ड है जिसमें खरपतवार नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से इसका मूवमेंट होकर यहाँ दूसरे बी फील्ड में आ गया। मान लो जो कोई पड़ोसी वाला फील्ड है जिसमें खरपतवार है और हमारे खेत में खरपतवार नहीं है, तो वहाँ से हवा द्वारा, पानी द्वारा, ग्रेविटी द्वारा, ठीक है, एनिमल द्वारा जो वीट का सीड है वो बी फील्ड में आ जाता है। इसको बोलते हैं हम डिसिमिनेशन, डिस्पर्सल, सीड का डिस्पर्सल यानी मूवमेंट होना, ठीक है। अभी जो डिस्पर्सल होता है दो प्रकार से होता है, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में हमारे तीन आते हैं, विंड द्वारा, वाटर द्वारा और ग्रेविटी द्वारा, ठीक है, और बायोटिक में हमारा एनिमल द्वारा डिस्पर्सल होता है, ठीक है। अभी जो एबायोटिक है इसकी हम बात करेंगे। ए बायोटिक में बात करें तो बाय विंड द्वारा जो डिस्पर्सल होता है उसको हम बोलते हैं एनिमोकोरी,
ठीक है, विंड द्वारा जो डिस्पर्जल होता है सीड का, वीट के सीड का जो विंड द्वारा डिस्पर्जल होता है उसको हम बोलते हैं एनिमोकोरी। इसमें तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, तीन तरह के स्ट्रक्चर वाले वीट होते हैं, एक तो पेपर स्ट्रक्चर वाले वीट, कोमोस स्ट्रक्चर वाले वीट और बलून स्ट्रक्चर वाले वीट। ठीक है, जो पेपर स्ट्रक्चर वाले वीट होते हैं वो होते हैं ट्राइडेक्स प्रोकुम्बिस, ये एक वीट है खरपतवार है ट्राइडेक्स प्रोकुम्बिस, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पेपर्स। इसको आप गूगल पर सर्च करके दे सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको आप गूगल पर सर्च करके भी दे सकते हो। एक होता है कोमोस स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आता है केलोट्रॉपिक स्पीसीज, ये खरपतवार है केलोट्रॉपिक स्पीसीज। ठीक है, इसमें अलग अलग स्पीसीज होती है केलोट्रॉपिक्स की, जिसके जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कोमोस स्ट्रक्चर। एक होता है आपका बलून, बिल्कुल बलून जैसा दिखता है, कौन सा, फाइसेलिस मिनिमा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बलून जैसा होता है। तो ये था हमारा बाय विंड, जो मोस्टली जो खरपतवार का जो डिसेमिनेशन होता है, डिस्पर्सल होता है, वो विंड द्वारा ही होता है, हवा द्वारा, ये एक खेत से दूसरे खेत में फैल जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हाइड्रोकोरी, जो कि पानी द्वारा होता है, यह बहुत रेयरली देखने को मिलता है, जब फ्लड वगैरह आ जाता है उसके कारण अगर हाइड्रोकोरी हो रही है तो हो रही है। ठीक है, बेराकोरी जो है ग्रेविटी द्वारा होती है, जो वीट का सीड है, जो कोई प्लांट है उसमें सीड जो है ग्रेविटी द्वारा फोर्स लग के उसमें नीचे आ गया और फैल गया पानी द्वारा, हवा द्वारा। ठीक है, उसको बोलते हैं बेराकोरी। नेक्स्ट आपका बायोटिक डिस्पर्जल, बायोटिक डिस्पर्जल में एनिमल द्वारा होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ण द्वारा, चींटियों द्वारा। चींटियाँ क्या करती है, जो वीट का सीड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं मिरिमिकोकोरी, वीट सीड डिस्पर्जल बाय आर्ण्स। ठीक है, चींटियों द्वारा वीट के सीड का डिस्पर्जल यहाँ पर होता है। एक होता है आपका जूकोरी, जूकोरी में एनिमल द्वारा होता है। ठीक है, कोई एनिमल है वो अगर वीट के सीड को ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह। एंडोजूकोरी में क्या होता है, बर्ड द्वारा होता है। ठीक है, कोई बर्ड है वो क्या करता है, वो जो वीट का जो सीड होता है उसको खा लेता है, बेसिकली जो फ्रूट होता है उसको खाते हैं। ठीक है, फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है, ये जब खा लेते हैं तो कई बार क्या होता है, जो सीड होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो बाद में जब ये सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करते हैं तो जो बीज होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाता है। ठीक है, तो बाय बर्ड द्वारा होता है तो एंडोजूकोरी भी हो जाता है। तो एंडोजूकोरी में क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, बीजू खा लेते हैं और दूसरी जगह पर सीड को डिस्पर्सल कर देते हैं। तीसरा है आपका इपिजोकोरी, इसमें क्या होता है, हमारा जो बॉडी होती है उसमें जो एनिमल्स की बॉडी होती है, ठीक है, उनके सरफेस पर जाके चिपक जाता है उनकी बॉडी पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इपिजोकोरी, जिसमें जेंथियम स्ट्रोमोनियम, ये एक वीट है खरपतवार है, कांटेदार होता है, एकदम छोटे छोटे होते हैं, आपने देखे भी होंगे, गूगल पर आप सर्च करके देखना। इसमें क्या होता है, जो एनिमल के जो सरफेस होती है उस पर ये चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाते हैं। नेक्स्ट है एंथ्रोपोकोरी, जो कि ह्यूमन बींग द्वारा होता है, ह्यूमन बींग द्वारा वीट का जो सीट है उसका डिस्पर्जल हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा को हम दूसरे देश से लाए थे। ठीक है, ये सजावटी पौधा था, जो कि हम दूसरे देश से, हम इसको हमारे देश में लाए थे, लेकिन बाद में ये हमारे लिए खतरा बन गया क्योंकि ये वीट था, खरपतवार था। ठीक है, अब वो कोई मान लो चिपक के हमारे टी शर्ट वगैरह पे चिपक के आ गया, दूसरे देश में हम गए थे घूमने, वहाँ से चिपक के हमारे देश में आ गया। ठीक है, और हमारे देश में फैल गया। तो जितने भी अधिकतर खरपतवार है जो हमारी फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं आज, वो दूसरे देश से लाए गए खरपतवार ही हैं। ठीक है, जो एंथ्रोपोकोरी के थ्रू आए हैं। ठीक है, इस सेशन में इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।